रिपोर्टिंग टाइम एंड एग्जामिनेशन टाइम ऑफ द कैंडिडेट एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड। सबसे पहली चीज जो रिपोर्टिंग टाइम है और जो सारी डिटेल है रिपोर्टिंग टाइम एंड एग्जामिनेशन टाइम, ये सारी एडमिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को मिलती है। जिन बच्चों के जो भी आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं या निकालेंगे उनके ऊपर सारी डिटेल आपको ये मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन डीएसएसबी को लेकर के है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू सेंटर टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड कंटेनिंग 3 pages एंड विदाउट एनी आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी जो भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे ना, उसके तीनों के तीनों पेज होने चाहिए। अगर 3 pages में है तो, दो में आता है किसी भी वैकेंसी का तो दो आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, पहला पेज ले लेते हैं बाकी छोड़ देते हैं। कंप्लीट जितने भी पेज में है आपको वो लेना है और उसके साथ एक आईडी प्रूफ आपको ओरिजिनल रखना है। अगर ये नहीं हुआ तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे, एग्जाम से महरूम हो जाएंगे। तीसरा है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ट ऑन फर्स्ट पेज ऑफ द एडमिट कार्ड। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपको अपने एडमिट कार्ड के पहले पेज पर लगाना है और इसका जो साइज है वो 4x6 का होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे पूछने लगेंगे 4x6 कौन सा, 4x6 कौन सा, ये आपका काम नहीं है। फोटो स्टूडियो वाले को जाके बोलिए, वो अपने आप बना देगा। ऐसी चीजों के लिए ज्यादा टेंशन नहीं पालनी होती है। उसके बाद इसमें इसने कहा कि अपर हाफ डिस्प्लेइंग ओनली फेस बोथ ईयर एंड बोथ शोल्डर, यानी आपके दोनों कंधे दोनों कान और जो अपर हाफ हिस्सा है वो आपका इसमें शो होना चाहिए। सेकंड पेज ऑफ द एडमिट कार्ड एंड आल्सो इम्प्रिंट हिज हर हैंड लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। जो सेकंड पेज है एडमिट कार्ड का उस पे लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको लगाना होता है इन्विजिलेटर के सामने, यानी पहले नहीं जब पेपर के जिसमें ड्यूटी होगी आपकी एग्जाम सेंटर में उसके सामने। नो कैंडिडेट शैल साइन ऑन द सेकंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड एंड पुट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ऑन इट इन द एब्सेंस ऑफ इन्विजिलेटर। तो ये भी आपको देखनी है। उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में कई सारी चीजें हैं। इन सच केस इन्विजिलेटर सेल क्रॉस सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन एंड आस्क कैंडिडेट टू साइन एंड पुट थंब इंप्रेशन ऑन सेकंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड इन हिज प्रेजेंस एंड देन हैंड इट ओवर टू द इन्विजिलेटर। यानी उसके सामने आपको सारे काम ये करने हैं। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द सेकंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड इज हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर, अदरवाइज द कैंडिडेट हिमसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सिक्वेंसेज। यानी जो आपको जो सेकंड पेज आपको इन्विजिलेटर को सौंपना है, जिसकी आपके रूम में ड्यूटी उसको आपको देना है, तो वो ध्यान रखे सुनिश्चित करें कि उसको दे आए, अदरवाइज परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहें, नुकसान अगर कुछ होगा तो आपको होगा। चौथी कंडीशन दोस्तों इसके अंदर, द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड नोट टू कैरी पेन पेंसिल पेंसिल बॉक्स विद देम एज द पेंसिल इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। कैंडिडेट को कोई भी पेन पेंसिल पेंसिल बॉक्स नहीं ले जाना है, क्योंकि जो पेन है वो बोर्ड के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। पांचवा है द ड्यूरेशन फॉर एग्जामिनेशन इज ऑफ 2 hours, यानी अभी जो एग्जाम होने हैं उनका 2 घंटे का आपका होगा। आगे जाकर के पीजीटी टीजीटी के लिए जब 300 नंबर का पेपर होगा पीजीटी के लिए, तो वहां पर पीजीटी टीजीटी के लिए वहां पर 3 घंटे हो जाएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर ऑफ 0.25 marks विल बी डिडक्टेड फॉर इट्स रॉन्ग आंसर। यानी नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 होगी या 1/4 होगी, यानी हर 4 questions अगर गलत किए तो उसके साथ 1 number आपका कट जाएगा। हालांकि नुकसान आपको ज्यादा होना है क्योंकि 4 questions भी आपके चले जाएंगे। द एडमिट कार्ड फॉर द अबो मेंशन, जो ऊपर की जितनी पोस्ट है उनके लिए जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा वो इस साइट के ऊपर मिलेगा dssdsssb.delhi.gov.in के ऊपर। डिटेल इंस्ट्रक्शन टू द डाउनलोड एडमिट कार्ड आर अवेलेबल, सारी जानकारियां आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर मिल जाएंगी। नौवां पॉइंट है द एडमिट कार्ड आर बीइंग इश्यूड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन देयर एप्लीकेशन। यानी जो एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा ना, वो आपने जो इंफॉर्मेशन फॉर्म में भरी थी उसके आधार पर दिया जाएगा। द डीएसएसबी हैज नॉट वेरीफाइड या स्क्रूटिनाइज्ड दिस इंफॉर्मेशन एंड देयर फॉर मेयर अपीयरेंस इन द एग्जामिनेशन डज नॉट इन एनी वे
entitled him her to claim for the post. यानी जो आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा वो जो आपने फॉर्म भरा था उसके इंफॉर्मेशन पे दिया जाएगा. बोर्ड ने कोई आपकी इंक्वायरी नहीं की है, ना ही वेरिफिकेशन की है, ना ही स्क्रूटनी की है. अगर आपको सिलेक्शन के बाद आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत मिलती है, क्वालिफिकेशन में मिलती है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, निकाला जा सकता है. आप ये नहीं कहेंगे कि फिर आपने एडमिट कार्ड क्यों दिया था, आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया. ऐसा कुछ नहीं है. आपने फॉर्म अप्लाई किया, उन्होंने एडमिट कार्ड दे दिया, आपका अगर सिलेक्शन होगा तो आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आपको बाहर निकाला जा सकता है. क्योंकि जितने लाखों लोग फॉर्म भरेंगे सबकी वेरिफिकेशन तो बोर्ड नहीं करेगा ना, क्योंकि सभी तो सिलेक्शन तक आने नहीं होते हैं. वेरिफिकेशन तो उन्हीं की होगी जो आफ्टरऑल बाद में निकल के आएंगे. तो ये चीज आपको समझनी है, कॉर्पोरेट इन चीजों का हम सबको करना होता है. दसवां पॉइंट है, द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड अब इनिशियो इन केस ऑफ ही इज सी डज नॉट फुलफिल द. ये मैंने जो बात आपको बोली ना कि अगर क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते हैं, फिलअप नहीं करते हैं, तो फिर आप लोग इनवैलिड कराए जा सकते हैं. कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है. ग्यारहवां पॉइंट है, द सेकेंड एंड थर्ड पेज ऑफ एडमिट कार्ड विल बी टेकन बैक इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम बाय द इन्विजिलेटर. हाउएवर द कैंडिडेट आर अलाउड टू टेक बैक होम फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम. ए कैंडिडेट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शैल बी अलाउड टू लीव एग्जाम सेंटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टू अवर्स. टू अवर्स अगर पीजीटी में है तो तीन घंटे का. तो यानी ये कहता है कि सेकंड और थर्ड पेज हैं वो आपको इन्विजिलेटर को देने होते हैं, फर्स्ट पेज जो है वो अपने साथ आप ले जा सकते हैं. समय पूरा होने से पहले किसी को एग्जामिनेशन सेंटर का हाल छोड़ने की परमिशन नहीं होती है. उसके बाद बारहवीं कंडीशन था, क्वेश्चन विल बी बायलैंगुअल. क्वेश्चन जो वो बायलैंगुअल होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में. वेर एवर एप्लीकेबल एक्सेप्ट फॉर टेस्ट ऑफ लैंग्वेज सेक्शन ऑफ द पेपर, जो भी आपने चूज किया है. उसके बाद तेरहवीं कंडीशन, द बोर्ड रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेचर ऑफ एनी एलिजिबल कैंडिडेट एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट. ये कहते हैं कि बोर्ड के पास अधिकार है कि वो किसी भी कंडीशन के, किसी भी सत्र के ऊपर, किसी भी स्टेज के ऊपर कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकता है, उसके कैंडिडेट को अगर कोई दिक्कत है तो. कैंडिडेट ऑफ एवरी कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल एट एवरी स्टेज अंटिल ही इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट टू विच द पोस्ट बिलोंग्स आफ्टर डू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट. यानी आपको पूरी की पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही फाइनल स्टेप तक ले जाया जाएगा. उसके बाद चौदहवीं है, द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इज एंटायरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ एनी डायरेक्शन डिसीजन ऑर्डर प्रोनाउंसमेंट ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड मेयर इश्यू ऑफ ई एडमिट कार्ड और अपीयरेंस ऑफ एग्जामिनेशन डज नॉट एंटाइटल हिम हर टू क्लेम फॉर द पोस्ट. यानी आप किसी भी प्रकार की इस मामले में क्लेम नहीं कर सकते. पंद्रहवा है, गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग रिटन एग्जामिनेशन फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी विल बी फॉलोड एंड इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली. यानी जो एलिजिबल डिसेबिलिटी है वो आपका एक प्रकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू. यानी कुछ लोग वैसे बनवा लेते हैं कहीं ना कहीं से, वो इसमें नहीं चलेगा. सोलवा पॉइंट इसमें है, इन एनी केस ऑफ इम्प्रिजनेशन इम्पर्सोनेशन कम टू नोटिस देन ओवरऑल इंचार्ज एंड ऑब्जर्व सेल लॉज एफआईआर अगेंस्ट बोथ पर्सन कैंडिडेट्स हु अप्लाइड एंड द इम्प्रिजनेटर अंडर रिलेवेंट सेक्शन. यानी किसी भी कोई भी एक व्यक्ति की जगह आमतौर पर दूसरा पा जाता, कोई भी चिटिंग वगैरह की चीज आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी. सिंपल सी बात है, सब समझते हैं. सत्रहवां है, प्रोहिबिटेड आइटम्स फॉर ऑनलाइन एग्जाम आई कंप्यूटर बेस्ड है सीबीटी एग्जाम के लिए किन चीजों की मनाही है. द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर. आपको एग्जाम सेंटर के अंदर ये चीजें साथ में लेकर नहीं आनी होती हैं, ये चीजें आपको देख लेना है. और उसके साथ द कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिस्किंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर विद द हेल्प ऑफ हाईली सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर. आपको मेटल डिटेक्टर से भी वहां पर गुजारा जाता है. अब देखिए क्या क्या है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आप लोगों को किन किन चीजों की मनाही है. सबसे पहले, एनी स्टेशनरी आइटम लाइक टेक्सुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन और स्कैनर. यानी आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रिंटिंग और रिटर्न मटेरियल नहीं ले जाना है. स्टेशनरी के रूप में भी आपका नहीं होना चाहिए. उसके साथ
कोई भी कागज का टुकड़ा, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक का पाउच, कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, पेन स्केल नहीं होना चाहिए, राइटिंग पैड नहीं होना चाहिए आपके पास, पेन ड्राइव नहीं होनी चाहिए, इरेजर भी नहीं होगा, कैलकुलेटर भी नहीं होगा, लॉग टेबल्स भी आपके पास नहीं होंगी, और इलेक्ट्रॉनिक पेन और स्कैनर्स ये भी आपके पास नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप चीटिंग की कैटेगरी में आएंगे। दूसरी कंडीशन है एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, ये सब भी आपके पास नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप चीटिंग में आएंगे। तीसरा आपका है अदर आइटम लाइक वॉलेट, वॉलेट आपके पास नहीं होना चाहिए, गोगल्स आपके पास नहीं होने चाहिए, हैंडबैग्स आपके पास नहीं होना चाहिए, बेल्ट आपके पास नहीं होने चाहिए, और कैप यानी टोपी आपके पास नहीं होनी चाहिए। यानी यहां पर पांचों चीजें ध्यान रखना, कैप नहीं होगी, बेल्ट नहीं होगी, हैंडबैग नहीं होगा, गॉगल्स नहीं होंगे, वॉलेट नहीं होगा। चौथी कंडीशन है ऑल ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग्स, इयररिंग्स, नोज पिन, चेन, नेकलेस, पेंडेंट्स, बैज, ब्रोच, ये सब नहीं होगा। यानी महिलाओं के लिए खास करके रिंग वगैरह, इयररिंग वगैरह, नोज पिन वगैरह, चैन वगैरह, नेकलेस वगैरह, पेंडेंट्स वगैरह, बैज वगैरह, ब्रोच वगैरह, ये नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। अगला है एनी वॉच, किसी भी प्रकार की कोई घड़ी, कलाई घड़ी, ब्रेसलेट, कैमरा इटीसी, ये आपके पास नहीं होना चाहिए। छठा आइटम इसमें है एनी मेटालिक आइटम, किसी भी प्रकार का कोई मेटालिक आइटम आपके पास नहीं होना चाहिए। अगला है एनी एटेबल आइटम ओपन और पैकेट, वाटर बॉटल ईटीसी, किसी भी प्रकार का खाना आपके पास नहीं होना चाहिए, चाहे वो ओपन हो चाहे वो पैक्ड हो, और पानी की बोतल वगैरह भी आपको बाहर से नहीं है, सेंटर में आपको सब चीजें मिलती हैं। उसके बाद है एनी अदर आइटम विच कुड बी इश्यूड फॉर अनफेयर मीन्स फॉर हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेज लाइक कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, ईटीसी, यानी और किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज जो चीटिंग में या अनफेयर मीन्स में आती है वो आपके पास नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, हाइडन में भी जो छिपा हुआ कोई हो या कैमरा हो, ब्लूटूथ तो कुछ लोग शर्ट पे लगा लेते हैं, कुछ लोग कहीं लगा लेते हैं। नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल आइटम बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट, ये कहता है कि जो अगर आप कुछ सामान लेकर आते हैं तो बोर्ड इसकी गारंटी नहीं लेता है कि वो आपका सारा सामान रखवाने की वहां गारंटी लेगा। हालांकि कुछ सेंटरों में जगह बना दी जाती है, लेकिन यहां पर साफ साफ मना किया गया है, इसलिए आप या तो ऐसी चीजें घर छोड़कर आए या फिर अपने साथ जो भी कैंडिडेट लेकर आते हैं उसको आप लोग हैंडओवर करें। इन केस एनी कैंडिडेट इज फाउंड इन पोजेशन ऑफ एनी ऑफ द एफोरसाइड प्रोहिबिटेड आइटम इनसाइड द सेंटर, इट विल बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट प्रोविजन। यानी अगर ऊपर जो चीजें दी गई हैं, अगर इनमें से किसी भी प्रकार की गलती का आप शिकार पाए जाते हैं तो आप लोग चीटिंग की कैटेगरी में, अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में काउंट होंगे, और जो भी प्रोविजंस हैं उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ड्रेस कोड की बात जहां तक है दोस्तों, ड्रेस कोड यहां पर दिया गया साफ साफ, द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड वाइल अपीयरिंग फॉर डीएसएसबी एग्जाम। जब आप डीएसएसबी का एग्जाम देते हैं तो आपके लिए कुछ ड्रेस कोड निर्धारित किए जाते हैं, और उन ड्रेस कोड में देखिए नंबर एक पर है, नंबर एक पर लाइट क्लोथिज विद हाफ स्लीव्स, नॉट हैविंग बिग बटन्स, ब्रूच, बैज, फ्लोवर, ईटीसी, विद सलवार, ट्राउजर। एक तो लाइट क्लोथिज आपके हों विद हाफ स्लीव, जो हाथ इस बाजू के होने चाहिए, नॉट हैविंग जिसके ऊपर बड़े बटन नहीं होने चाहिए, ब्रूच नहीं होने चाहिए, बैज नहीं होने चाहिए, फ्लावर्स नहीं होने चाहिए, विद सलवार एंड ट्राउजर आपका होना चाहिए। यानी या तो महिलाएं हैं तो सलवार में, और या फिर पैंट में, यानी आप साड़ी वगैरह का इसमें आमतौर पर मनाई की गई है, तो गाउन वगैरह की, साड़ी वगैरह की। उसके बाद कहता है कि स्लीपर सैंडल्स विद लो हील्स, शूज आर नॉट अलाउड, शूज हैं वो अलाउड नहीं है, और अगर आप स्लीपर और सैंडल पहने तो लो हील के पहने, क्योंकि उसमें आमतौर पर ज्यादा आसानी रहती है यहां पर, क्योंकि उसमें चीटिंग वगैरह के जो भी, हालांकि सभी बच्चे गलत नहीं होते, लेकिन एक ने भी गलती करी है तो सभी लोग उस दायरे में आ जाते हैं। तो जहां तक पहनने की बात है, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी ध्यान रखना है कि आपने हाफ स्लीव्स को प्रेफर देना है, क्योंकि वही चीज इसमें मांगी गई है। बहुत ज्यादा आप लोगों को बड़े बड़े बैजेज, बटन, इस टाइप के डेकोरेशन की चीजें नहीं रखनी है, क्योंकि उसके ऊपर भी ज्यादा ऑब्जेक्शन होता है आमतौर पर। और स्लीपर सैंडल में आप लोगों को जाना है, लो हील्स में खास करके, शूज वगैरह अलाउड आमतौर पर नहीं है, उनको निकलवाया आमतौर पर जाता है। तो ये डिप्टी सेक्रेटरी के एग्जाम डीएसएसबी के जो उनके साइन है यहाँ पर, यह पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, डिप्टी सेक्रेटरी आईटी ब्रांच फॉर अपलोडिंग एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DSSB। तो ये दोस्तों कुछ जानकारियां थी। अच्छा, इसके साथ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को
किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है DSSSB के, चाहे वो PRT हो, चाहे वो TGT हो, चाहे वो PGT हो, तो आप लोग स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे भारत में हमारा स्टडी मटेरियल बाई कोरियर जाता है, जिसमें पूरे नोट्स होते हैं, आप लोग उसको ऑर्डर कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके 8447410108, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप DSSB में PRT के साथ साथ DSSB में TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें अपना नाम, यानी जैसे आपका नाम है अंकित, अंकित यानी पहले DSSSB अंकित, और जो आपका सब्जेक्ट है SST है, मैथ साइंस है, या फिर PGT में इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, यानी अपना आपको DSSB DSSSB अपना नाम